गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे आई विल टीच यू लेसन 14, द ड्रम, द बॉय एंड द ड्रम। गेटिंग स्टार्टेड, कैन यू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? क्या आपने कभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया है? ड्रॉ एंड कलर योर फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हियर। आपको यहाँ पे कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो आपको पसंद है उसे यहाँ पे आपको बनाना है और उसे कलर करना है। Once a boy asked his mother to get a drum for him, next asked to find out whether the boy got what he wanted. एक बार अपने बच्चा होता है, वह अपनी माँ से ड्रम के लिए बोलता है। अब इस स्टोरी में ये देखना है कि उस बच्चे को वो ड्रम मिल पाता है या नहीं। कैरेक्टर्स, नरेटर, बॉय, मदर, ओल्ड वुमेन, ओल्ड मैन, पॉटर्स वाइफ, वॉशरमैन, वॉशरमैन्स वाइफ, मैन, ब्राइडग्रूम, ब्राइडग्रूम्स फादर। सीन फर्स्ट, अ कंट्री साइड, अ वुमेन इज स्टैंडिंग आउटसाइड अ स्मॉल हट, हर सन इज नियर सीन नियर बाय प्लेन। इस पार्ट वन में एक वुमेन खड़ी होती है घर झोपड़ी के पास में, और वो उसका बच्चा वहीं पे खेल रहा होता है, वो उसे देख रही होती है। नरेटर, Once there was a poor woman. She worked hard as a gardener. She had a little son who was bright and cheerful. One day after a hard day's work, she was going to the market. Mother, what can I get for you from the market, little one? Boy, a drum, mother. I would love to have a drum to play with. Narrator, the mother knew she would never have enough money to buy a drum for her son. While returning home, she felt sad that she would have to face him empty-handed. So when she was a nice piece of wood on the road, she brought it home and gave it to her son. Son, such a nice piece of wood. Thank you, mother. Narrator, the boy did not know what to do with the piece of wood, but he was happy and carried it with him when he was went to play. Narrator, there was a poor man, yani ki ek didi hoti hai jo ki gareeb hoti hai. She worked hard, but wo kaam karti hai bagiche mein. She had a little son, uska ek chota beta hota, who was bright and cheerful, kyunki bahut hi bright aur matlab ek khush wala bachcha hai, matlab continue फन मतलब स्माइलिंग फेस वाला। वन डे आफ्टर अ हार्ड डेज वर्क, शी वॉज गोइंग टू द मार्केट। तो वो जब वो पूरा दिन काम करने के बाद उसे लगता है कि मुझे मार्केट जाना चाहिए। मदर, वॉट कैन आई गेट फॉर यू फ्रॉम द मार्केट, लिटिल वन। तब अपने वो छोटे लिए बेटे से पूछती है कि मैं मार्केट जा रही हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? बॉय, अ ड्रम, मदर, मुझे ड्रम चाहिए। आई वुड लव टू हैव अ ड्रम, मुझे ड्रम चाहिए उसे खेलने के लिए। तो मदर न्यू शी वुड नेवर हैव इनफ मनी, बट उसे लग उसकी माँ के पास इतना पैसा नहीं था कि वो ड्रम खरीद सकती थी अपने बेटे के लिए। वाइल रिटर्निंग होम, घर लौटते वक्त, शी फेल्ट सैड दैट शी वुड हैव टू फेस हिम एम्प्टी हैंडेड। और जब वो घर लौटती है तो मतलब उसके पास ये लग रहा था कि मैंने नहीं कुछ खरीदा है तो क्या होगा, से बुरा लग रहा था। सो व्हेन शी सॉ अ नाइस पीस ऑफ वुड, तभी वो एक लकड़ी का टुकड़ा देखती है रोड पे पड़ा हुआ। शी बॉट इट होम, और वो घर ले आती है, एंड गेव इट टू हर सन, और वो उसे अपने बेटे को दे देती है। सच अ नाइस पीस ऑफ वुड, तभी वो जो है उसे जो वुड मिलता है उसे वो देख के खुश हो जाता है। थैंक यू मदर, और वो अपनी माँ को धन्यवाद देता है। नरेटर, द बॉय डिड नॉट नो व्हाट टू डू, वर्ड्स को ये नहीं मालूम था कि उसे क्या करेगा। बट विद द पीस ऑफ वुड, वो उस लकड़ी को का जो टुकड़ा था, बट वो उसे बहुत खुश था और उसे वो अपने साथ लेकर के खेलने के लिए चला जाता है। पार्ट सेकेंड, सीन सेकेंड, अनदर पार्ट ऑफ द विलेज, ये एक दूसरे गाँव की स्टोरी है। एन ओल्ड मैन इज सिटिंग नेक्स्ट टू द स्मॉल पार्क, एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था एक छोटी सी जगह पे ऑन अ ग्राउंड इन द
front of him in the small clay stove with a pot only. और वो उसी जगह पे उसी के ठीक सामने उसने मतलब क्ले पॉट स्टोव मीन्स उसने मिट्टी का चूल्हा बनाया हुआ था और उसके बाद उसने पॉट रखा हुआ था. देयर इज अ स्मोक ऑल अराउंड और सभी जगह धुआं था. स्मोक मीन्स धुआं, जो सभी जगह धुआं था. एंड द ओल्ड मैन इज कफिंग और उस धुएँ की वजह से वो खांसी आने लगती तो मीन्स वो उसे आ रही थी. नरेटर ऑन हिज वे द बॉय कम्स अक्रॉस एन ओल्ड मैन. द ओल्ड मैन वॉज ट्राइंग टू लाइट दिस स्टोव यूजिंग सम काउ डंग केक्स. अनफॉर्चुनेट द फायर वॉज नॉट कैचिंग. कि तभी वो जब वो जो लड़का था वो वहाँ से निकल रहा था और वो जो है ओल्ड मैन को देखता है और द ओल्ड मैन वॉज ट्राइंग और वो कोशिश कर रहा था उसे जलाने की, जिसमें उसने काउ डंग मीन्स उसने गाय के गोबर के कंडे लगाए हुए थे. बट उससे जो आग होती वो नहीं जल रही थी. बॉय व्हाट इज़ द मैटर ग्रैंडपा. तो पूछता है कि ग्रैंडपा क्या मैटर है, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ. ओल्ड मैन कफिंग आह लिटिल वन आई एम ट्राइंग टू कुक सम फूड. बोलता है कि जी हाँ कि मुझे कुछ खाना बनाना है बट आई एम अनएबल टू स्टार्ट अप है. बट कुछ मतलब इसमें जो मुझे आग जो है उसमें जल नहीं पा रही. आई नीड अ पीस ऑफ वुड और मुझे जो है कुछ लकड़ी के टुकड़े चाहिए. बॉय गिविंग द पीस ऑफ वुड टू द ओल्ड मैन. जो उसके पास होता है लकड़ी का टुकड़ा वो उसे दे देता है. हियर्स ग्रैंडपा यू कैन यूज़ माई पीस ऑफ वुड टू स्टार्ट योर फायर. तभी वो ये कहता है कि आप ये टुकड़ा मतलब ले लीजिए और इससे आप आग को जला दीजिए. ओल्ड मैन ओह यू आर सच अ हेल्पफुल लिटिल बॉय. ये थैंक यू. तभी वो बोलता है कि आप उसको देखे तभी वो बोलता है कि तुम बहुत ही हेल्पफुल हो, मीन्स तुमने मेरी मदद की उसके लिए धन्यवाद. नरेटर द ओल्ड मैन वॉज टस्ट बाय द बॉयज काइंडनेस और जो ही लिट अ फायर मेड सम ब्रेड एंड गेव अ पीस टू द बॉय. तो वो लकड़ी का टुकड़ा जब देता है तो उसे मतलब ये उसे बहुत अच्छा लग जाता है. तो उसको क्या कहता है कि उसको मतलब जो दयालु होता है काइंड इज दयालु दिखाना, तो मतलब जो दयालुता दिखाता है तो उसे वो बहुत अच्छा लगता है. तो उसके बाद उसे लगाने के बाद उससे आग जल जाती है और फिर वो तो कुछ मतलब ब्रेड और ये सारे मतलब रोटी और चपाती बनाता है. और वो उस जो लड़का होता है उसे भी देता है. वो है मैम दैट्स लुक्स लाइक अ लवली पीस ऑफ ब्रेड. को बोलता है कि बहुत ही लवली मतलब है ब्रेड. थैंक यू ग्रैंडपा और धन्यवाद देते हुए वहाँ से चलने के लिए तैयार हो जाता है. नरेटर द बॉय टुक द पीस ऑफ ब्रेड एंड एस्केप्ड अलोंग और वो वहाँ से ले करके चलने को तैयार होता है. सिंगिंग ए सॉन्ग और वो गाना गाते हुए चल पड़ता है. सीन नंबर थर्ड अनदर पार्ट ऑफ द विलेज. अ पुअर वुमन इज सिटिंग बाय द रोड विद द मैनी पॉट्स बिहाइंड हर. द वुमन इज होल्डिंग अ बेबी इन हर आर्म्स. द बेबी इज क्राइंग. ये एक दूसरा पार्ट है गांव का जहाँ पे एक पुअर वुमन यानी कि गरीब जो लेडी है वो बैठी हुई है रोड पे. रोड के साइड में उसने कुछ पॉट्स लगा रखे अपने पास और उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा है कि और वो बच्चा जो कि रो रहा है. आई विल टेल यू द सम डिक्टेशन वर्ड्स. Turning empty handed board carried reset catching fortunately.